गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपके हिंदी व्याकरण का लेक्चर वीडियो नंबर 21 है। ये आपका यह क्लास 2 के लिए है और हमने पिछले लेक्चर वीडियो में वर्ण पढ़ा था, तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है, वर्ण क्या है? तो मुख से निकली ध्वनियाँ जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? तो दूसरा का आंसर ये होगा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाती है। स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो तीसरा आंसर यहाँ है, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं लिखिए, तो संयुक्त अक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये सब आप अपने हिंदी ग्रामर के कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखने का समय, सही विकल्प पर सही का साइन लगाइए। वर्णों के कितने भेद है? तो दो है, स्वर और व्यंजन। दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से अयोगवाह कौन सा है? तो अंग, आह। ड से बनने वाला वर्ण क्या होगा? अड़। तो इस पे आप लोग टिक का, ऑप्शन टिक का करेक्ट साइन लगा लेंगे। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। छ, त्र आदि वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवा न तो स्वर है ना ही व्यंजन। तो आप अपने बुक में ये नोट डाउन कर लो। ओके, सही कथन के लिए स तथा गलत कथन के लिए ग लिखना है। वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, ये गलत बात है। वर्णों के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, यह सही है। तो हमने स लिखा है। स्वर व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, यह गलत है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है, यह सही है। तो स लिखा है। क, ख, ग वर्ण स्वर कहलाते हैं, यह गलत है, यह व्यंजन वर्ण है। अब चित्रों को अनुसार वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। तो भ, व, न, देखिए हमारा क्या बना, भवन, इमली, गमला, ठठेरा, धनुष। तो मैंने इसको पांचों को यहाँ नोट डाउन लिख दिया है, आप ये खुद लिख लेना। ये नंबर 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है और यह 5 है। सो दिए गए वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए स्वर में मैंने क्या क्या लिखा है, अ, ओ, री, ए। व्यंजन में क, प, च, त। संयुक्त व्यंजन में छ, ज्ञ, त्र, स्र। अतिरिक्त व्यंजन क्या हो गया, अ, ढ, अंग, अण। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। खाली स्थानों को भरकर व्यंजनों को क्रम में लिखिए। तो देखिए मैंने क्या लिखना है, क, ख, ग, घ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, म, म। देखिए यहाँ से य, र, ल, व यहाँ लिखना चाहिए, बट ये एक्स्ट्रा कर दिया है। य, र, ल, व यहाँ लिख दिया और मैंने यहाँ तलाबी से डाल दिया, क्योंकि यह भी एक व्यंजन ही है। सो आज आपका ये चैप्टर कम्प्लीट होता है। आप ये सब नोट डाउन कर लो अच्छे से और इसको अच्छे से याद भी कर लेना।